हम लोग एलजेब्रा का पार्ट फाइव में फैक्टराइजेशन पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। फैक्टराइजेशन सिंपल सिंपल पढ़ रहे थे, अब कुछ ये भी सिंपल है। इसमें कुछ रूट का है, कुछ मान के बनाना है। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10 रूट 3 एक्स प्लस 63 क्या है कि एक्स स्क्वायर और कितना जोड़ेंगे घटाएंगे कि इतना ही आएगा, और इसी को गुना करेंगे, जितना को जोड़ेंगे घटाएंगे उतना ही को गुना करेंगे तो 63 आएगा। 7 रूट 3 एक्स प्लस 3 रूट 3, 7 में 3 से के कितना आ गया, 7 3 10 और 3 3 9, 3 3 9 और 9 7 कितना हो गया, अगर 7 एक्स प्लस 63। अभी देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10 रूट 3 एक्स आना चाहिए, उतना ही गुना करके जितना आना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे एक जोड़ते हैं, 7 रूट 3 एक्स प्लस 3 रूट 3 एक्स, 7 3 10 3 एक्स हो गया। अब इसी को गुना करते हैं, मान ले किसको गुना किए, 7 21 और 3 3 9, 9 के रूट तोड़ेंगे कितना आएगा 3, 21 3 63 ये हो गया। इतना जोड़ के हम बगल में साइड में देख लेंगे, देख लिए मेरा सही है। एक बार चेक कर लेना, बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को कॉमन लेना है, ये दोनों में मिलाना है एक्स एक्स। इसमें क्या है, 7 रूट 3, अब इसमें क्या करना है, 3 रूट 3 को कॉमन लेना है, एक्स प्लस 7 रूट 3 करना है। एक बार जोड़ के देख लेना है या गुना करके देख लेना है, ये दोनों को क्या होगा 3 और 7 3 21 3 63 सही है। अब ये दोनों कॉमन, एक्स प्लस 7 रूट 3 और एक्स प्लस 3 रूट 3, ये प्रॉब्लम बढ़ा। अब नेक्स्ट दो क्वेश्चन है, अब आप एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, आपको नहीं बनाने की जरूरत है, और भी क्वेश्चन हम आप देंगे। क्या करना, कितना जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इतना आना चाहिए, 7 रूट 3 एक्स को जोड़ेंगे घटाएंगे तो इतना ही आना चाहिए, इसको गुना करेंगे तो इतना 24 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 रूट 3 एक्स है, क्या करेंगे 8 रूट 3 एक्स माइनस रूट 3 करेंगे, 7 में 8 में से 1 जाएगा तो बचाएगा 7, 7 बचाएगा और 3 3 9, यहाँ पे क्या बचेगा 3 3 9, 9 का रूट तोड़ेंगे मतलब ये 3x, इस तरह से घटाएंगे तो इतना ही को गुना करेंगे तो 7 और 7 में 7 और 3 3 9, 7 गुने 3 8, ये 8 आ गया, 8 गुने 3 8 की 24, इस तरह से हम देख लेते हैं। यहाँ पे कितना आया 8 रूट 3x माइनस रूट 3x माइनस 24, कॉमन लेना है, यहाँ पे कॉमन लेंगे x, x प्लस 8 टू 3, यहाँ पे माइनस 3 एक्स प्लस 8 रूट 3, क्योंकि 8 और 3 3 9, 9 के रूट तोड़ेंगे तो 3, अब यहाँ पे देखना एक्स प्लस 8 रूट 3 और माइनस करना था इसलिए एक्स माइनस रूट 3, ये आंसर हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, 4 प्लस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 143, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, लेट एक्स स्क्वायर को वाई मान लेना है, अगर एक्स स्क्वायर को वाई मान लिए तो यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 24 एक्स स्क्वायर और प्लस 143, यानी वाई के स्क्वायर प्लस 24 वाई प्लस 143, कितना जोड़ेंगे घटाएंगे कि 24 आएगा, उतना ही को गुना करेंगे तो 143 आएगा, 12 13 13 में 11, 3 1 4 3 1 4 1 1 2 24, अब इसको गुना करके देखते हैं, 1 में 3 1 1 3 1 143, यानी 11 और 13 का कॉम्बिनेशन, 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा और 11 और
13 को गुणा करेंगे 143 आएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 11y प्लस 143 मिडिल टर्म फैक्टर है। बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया है कि x स्क्वायर को y मान लिए, यानी यहाँ पे थोड़ा अलग टर्म का दिया, इस वजह से अब इसको बनाने का अपना अपना ये है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों में क्या है, कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन है, दोनों में y शामिल है, जो दोनों में रहेगा दोनों में का गुणज होगा वो होगा वाई प्लस 13। यहाँ पे क्या है 11 और वाई प्लस 13, वाई प्लस 13 और वाई प्लस 11 आंसर। अब आप किसी क्वेश्चन को बना सकते हैं, सपोज चौथ फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक्स फोर माइनस 29 एक्स स्क्वायर प्लस 100। यहाँ पे भी लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर माइनस 29 एक्स स्क्वायर प्लस 10। यहाँ पे क्या करना है वाई स्क्वायर माइनस 29 एक्स स्क्वायर प्लस 100। अब यहाँ पे क्या करना है, कितना को गुना करना है, इतना ही को जोड़ना घटाना है कि 29 आए, यानी यहाँ पे क्या आएगा वाई, इतना ही को जोड़ना घटाना कि 29 आ जाए, उतना ही को गुना करेंगे तो कितना जाएगा 100 आ जाएगा। इस y माइनस 4y, 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 29 आ जाएगा, 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौके कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी ये दोनों को जोड़ने घटाने पर तो कितना आ गया 29y, और इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ गया 100 आ गया। बगल में हम करके देख लें, मन में भी देख लें, दोनों में कॉमा क्या है y माइनस 24 और यहाँ पे 4 और y माइनस 24 यानी y माइनस 25 और y माइनस 4 इसका आंसर आ गया। अभी दो क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व कीजिए, समझ में आ गया होगा ये दोनों क्वेश्चन, बस कुछ नहीं करना, इसको भी एक्स स्क्वायर को वाई मानना है, यानी वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 27 कितना जोड़ेंगे घटाएंगे कि 6 आएगा, उतना ही क्यों करेंगे तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा 6 और 9 3 27। यहाँ पे देखना है इसको भी वाई मानना है और क्या करना है, कितना जोड़ना घटाना है कि 9 आएगा, उतना ही क्यों गुणा करना है तो 52 आएगा। आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर के वाई स्क्वायर माइनस 8 x स्क्वायर माइनस 5x इनटू माइनस 84। इतना को हम y मान लेते हैं, इतना को क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, और कोई रास्ता भी नहीं है, इस प्रकार से इसको y मानेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे इसको y माने तो y स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 8y हो गया, यहाँ पे 84 हो गया। अब कितना जोड़ेंगे घटाएंगे कि 8 आएगा, उतना ही को गुना करेंगे तो 84 आएगा, है ना, कितना जोड़ेंगे घटाएंगे कि 8 आएगा, उतना ही को गुना करेंगे तो 84 आएगा। हमें 6 को जो घटाइए 814 8 और 14 6 84 6 चौके 24 की 4 हाथ में 2 6 2 8 क्या आएगा y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 6y माइनस 84। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों में से कॉमन लेना है, y क्या करना है y और y माइनस 14 और प्लस 6 और y माइनस 14 प्लस माइनस माइनस y माइनस 14 और y प्लस 6। अब यहाँ पे क्या करना, y कितना को माने थे, इतना को माने थे, y का मान कितना है, इतना है, तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। यहाँ पे क्या करना है, दो को कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे देखना है कि ये कितना जोड़ेंगे घटाएंगे कि 5 आएगा, उतना ही को गुणा करेंगे तो 14 आएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 और 7 दूनी 14 x, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 ये लिखिए, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ लिखे, चाहे यहाँ पे ऐसे कीजिए x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14, 7 में से 2 जाएगा 5 माइनस 5 आ जाएगा, चिन्ह का हमेशा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 5, यहां पे इसको बना लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x
प्लस टू एक्स माइनस फोर्टीन, यहाँ पे ले जाने की जरूरत नहीं, जगह है। एक्स माइनस सेवन और प्लस टू एक्स माइनस सेवन, यहाँ पे और एक क्वेश्चन क्या है कि एक्स एक्स माइनस थ्री माइनस टू एक्स माइनस थ्री, यहाँ पे देखिए एक्स माइनस सेवन और एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू, इसका आंसर आ गया। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन है। पहले क्या है कि फोर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस टू रूट थ्री, ये दोनों को गुना कर लेंगे, गुना कर लीजिए, फोर रूट थ्री गुने टू रूट थ्री, फोर टू जा एट और थ्री थ्री जा नाइन, नाइन का रूट तोड़ेंगे तो थ्री, एट थ्री का ट्वेंटी फोर, मन में रख लीजिए कि ट्वेंटी फोर, ये दोनों को गुना करने पर ट्वेंटी फोर, कितना जोड़ेंगे घटाएंगे कि दस आएगा उतना ही को गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, ट्वेंटी फोर आना चाहिए। अब जोड़िए छ एक्स प्लस चार एक्स, छः चार दस, छः चौके चौबीस और चार रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ टू रूट थ्री। अब ये दोनों में कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है, ये दोनों में कॉमन टू से टू रूट थ्री एक्स, टू रूट थ्री एक्स और यहाँ पे क्या करना है टू रूट थ्री एक्स टू कॉमन लेना है, यहाँ पे रूट, यहाँ पे क्या करना है कि इससे ऐसा गुना करना है कि ये आ जाना चाहिए हमारा, टू में टू से गुना की टू दूनी चार आ गया रूट थ्री एक्स एक्स स्क्वायर, टू तीन तीन नौ, नौ के तीन, तीन दूनी छ आ गया, ये देखिए गुना करके देख लीजिए, आपको अगर संतुष्टि नहीं है तो इस प्रकार से गुना कीजिए, थ्री थ्री नाइन, नाइन मतलब नाइन का रूट तोड़ेंगे कितना आता है तीन, तीन गुने छ, ये छ आ गया एक्स, यहाँ पे एक्स है। अब यहाँ पे कॉमन क्या करना है, ये दोनों में कॉमन कौन लेना है, ये दोनों में कॉमन लेना है टू, यहाँ पे कॉमन क्या लेना है टू, यहाँ पे क्या होगा टू एक्स प्लस रूट थ्री, यानी टू एक्स प्लस रूट थ्री और यहाँ पे टू रूट थ्री एक्स प्लस टू, इसका आंसर। इस प्रकार से आप दोनों में तीन प्रॉब्लम है, तीनों प्रॉब्लम आप बना सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम कोई और भी सॉल्व करके हम आपको दिखा दें, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सोलह रूट फाइव इंटू फाइव रूट फाइव, सोलह में पांच सौ गुना करेंगे, सोलह पचे अस्सी गुने पचपचे पच्चीस के पांच, आठ पचे चालीस, चार सौ कितना करेंगे कि चालीस को गुना करेंगे, चालीस में दस जोड़ेंगे पचास और चालीस में दस से गुना करेंगे तो चार सौ आ गया, ये देखना बहुत जरूरी है, फाइव रूट फाइव। अभी इसमें कितना कॉमन लेंगे, ऑब्वियसली आठ कॉमन है, आठ रूट फाइव एक्स और यहाँ पर क्या बचेगा टू एक्स, क्योंकि आठ दूनी सोलह और पांच एक्स स्क्वायर और माइनस रूट फाइव, क्योंकि पच पचे पच्चीस, पच्चीस अगर ये दोनों को रूट तोड़ेंगे तो पांच और आठ पचे चालीस और एक्स यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या करेंगे फाइव करेंगे और टू एक्स माइनस 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 प्लस रूट फाइव, क्योंकि ये दोनों सेम आ गया। अब क्या करना है एट रूट फाइव एक्स माइनस फाइव और टू एक्स माइनस रूट फाइव, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन गया, दो क्वेश्चन ये और ये बचा, आप खुद सॉल्व कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये क्लास नाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, क्या करना है ये दोनों को गुना करना है, वही सिस्टम है, एक बटा दो गुने चार, कुछ भी लिख सकते दो दूनी चार, कट के क्या आया दो, कितना जोड़ेंगे घटाएंगे तीन आएगा उतना ही को गुना करेंगे तो दो आएगा, यानी दो में या एक में दो को गुना मतलब दो एक कितना हो गया तीन और दो में एक से गुना किया कितना आ गया दो और प्लस चार और वन बटा टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये चीज हम पहले कर लेते। अब देखिए वन बाई टू एक्स स्क्वायर दो एक तीन चार, ये दोनों में कॉमन क्या लेंगे वन बाई टू एक्स एक्स प्लस टू, इसलिए कि दो दो में
काटेंगे तो एक आ जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, दो एक्स प्लस दो, यहाँ पे आएगा x प्लस दो और वन बाई टू एक्स प्लस दो, ये आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तीन आएगा उतना ही को गुना करेंगे, कितना जोड़ेंगे घटाएंगे कि दो आएगा उतना को गुना करेंगे तो तीन आएगा, तीन में से एक को घटाइए दो आ जाएगा, ठीक है, तीन में से एक को घटाइए दो आ जाएगा, यानी माइनस को करेंगे माइनस आएगा, बड़ा है, मान लो तीन में से एक घटा दो एक्स और माइनस एक घटा तीन, यहाँ नाइन एक्स स्क्वायर है। अब ये दोनों में कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है, दोनों में तीन है, थ्री एक्स यहाँ पे क्या आएगा, थ्री एक्स माइनस वन, यहाँ पे क्या करेंगे कॉमन लेंगे। अब कॉमन यहाँ पे क्या लेंगे, दोनों में मिलता कौन है, क्या शामिल है, यहाँ पे करेंगे थ्री एक्स माइनस, यहाँ पे कॉमन वन बाई थ्री लेंगे, वन बाई थ्री कॉमन लिए, यहाँ पे थ्री एक्स रखे कट गया तो क्या बचा, एक्स बचा, उसी प्रकार के वन लिए तो वन बाई थ्री आ गया। अब यहाँ पे थ्री एक्स माइनस प्लस वन बाई थ्री और यहाँ पे थ्री एक्स माइनस वन, ये दो क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अलग प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें से तीनों में से कॉमन कौन है, एक कॉमन है क्योंकि ए सबसे छोटा होता है, इसमें तीनों में जो मिल रहा है पहले वो देखेंगे और सबसे कम किसमें, इसमें है, ए है, ए कॉमन हो गया, ठीक है, कॉमन हो गया। इस प्रकार से टेन ए स्क्वायर माइनस सेवन ए बी माइनस बारह बी स्क्वायर, अब ये दोनों को गुना कीजिए, बारह में दस से गुना करेंगे तो एक सौ बीस आएगा, कितना जोड़ेंगे घटाएंगे उतना ही को सात आएगा और उतना ही को गुना करेंगे तो एक सौ बीस आएगा, पंद्रह आठी बीस से पंद्रह में आठ घटाएंगे तो आठ सात पंद्रह है ना, ए टेन ए स्क्वायर माइनस पंद्रह ए बी प्लस आठ ए बी, पंद्रह में से आठ जाएगा, आठ सात पंद्रह सात बचेगा, ठीक है, गुड, बहुत बी स्क्वायर, ये ए, ये दोनों में कॉमन कौन लेंगे, फाइव ए कॉमन लेंगे, टू ए बच जाएगा, यहाँ पे थ्री बी हो जाएगा, पांच छह पंद्रह थ्री ए बी, ये दोनों में कॉमन कौन लेंगे, चार छह चार से चार बी लेंगे, यहाँ पे चार आठ टू ए बच जाएगा, माइनस थ्री बी यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ए ऑलरेडी पहले से कॉमन, फाइव ए प्लस फोर बी और टू ए माइनस थ्री। एक और क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन है, उसमें से पहला क्वेश्चन हमने लिया है और ए स्क्वायर सेवन ए स्क्वायर को हम एक्स माने हैं, इतना को वाई माने हैं, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, बारह एक्स कितना जोड़ेंगे घटाएंगे कि आठ आएगा उतना ही, ये दोनों को गुना करेंगे, पंद्रह में बारह को गुना करते हैं, बारह पच्चे साठ के शून्य, हाथ में छह बारह छह अठारह एक सौ अस्सी, यानी अठारह और दस, अठारह में से दस जाएगा कितना बचेगा आठ, माइनस आठ आ जाएगा, बारह एक्स स्क्वायर और माइनस पंद्रह वाई स्क्वायर, तो ये दोनों में कॉमन को लेना है, छह के बारह में दोनों आते हैं, सिक्स एक्स टू एक्स छः दूनी बारह माइनस छः जी अठारह थ्री वाई, यहाँ पे भी क्या करना है, पाँच कॉमन लेना है, पाँच वाई यहाँ पे टू एक्स माइनस थ्री वाई, इसी प्रकार से टू एक्स माइनस थ्री वाई और सिक्स एक्स प्लस फाइव वाई, ये आंसर आ गया। लेकिन हम सबसे पहले सवाल है कि माने हम किसको x, x माने हैं इतना को, ए स्क्वायर माइनस सेवन, ए स्क्वायर माइनस सेवन क्या है, टू इंटू यहां पे देखिए क्या है, टू एक्स टू इंटू ए स्क्वायर प्लस सेवन ए माइनस थ्री इंटू टू ए माइनस वन, यहाँ पे क्या है, उसी प्रकार से इसको भी लीजिए,
सिक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस सेवन ए प्लस फाइव इंटू टू ए माइनस वन। अब गुना कर दीजिए, टू ए स्क्वायर प्लस सात दूनी चौदह, ए माइनस तीन दूनी छ, ए माइनस माइनस प्लस थ्री, थ्री एकम थ्री, यहाँ पे भी सिक्स ए स्क्वायर प्लस छः बयालीस, ए प्लस पाँच दूनी दस, ए माइनस पाँच। सेम क्या लगता है उस जोड़ेंगे, ये दोनों सेम है, छः टू आठ ए स्क्वायर, ये दोनों तीनों सेम है, प्लस चौदह ए प्लस बयालीस ए प्लस तीन ए माइनस सिक्स ए, एक जगह कर लेते हैं और उसके बाद माइनस फाइव और प्लस थ्री कर लेते हैं, एट ए स्क्वायर तीनों को जोड़ दीजिए, चार दो छ, और यहाँ पे दो, एट ए स्क्वायर प्लस साठ ए माइनस दो, इसका आंसर आएगा। इस प्रकार से आप तीनों क्वेश्चन को इसको भी मानिए, वाई एक्स वाई करके आप बना सकते हैं। इसको तो हम एक ही चीज मानेंगे, दो वो है नहीं, तो इसमें क्या मानेंगे, वाई मानेंगे, तो नाइन वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई माइनस तेरह आ जाएगा, कितना जोड़ेंगे घटाएंगे उसको कर लेना है। इसी प्रकार से इसको भी वो एक ही करना है, इसको भी एक ही करना है, बन जाएगा एडिशन एलजेब्रा का पार्ट फाइव था, फैक्टराइजेशन हमने क्लास सिक्स से एलजेब्रा स्टार्ट किए और नाइन्थ तक ले गए, अब क्लास नाइन्थ का और टेंथ का कुछ प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे।